तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एक और नई जगह एक्सप्लोर करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड जर्मनी, उसी का अगला पार्ट। मैं हूँ, आपको पता ही है, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और मैं जर्मनी में रहती हूँ, इंडियन हूँ, और आप लोगों को यहाँ की सारी जगह दिखाती हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड क्यों थी वो इसलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम लोग जो जगह है वो जगह का नाम है टीटीजे। टीटीजे एक्सप्लोर करने वाले हैं। टीटीजे जो है वो साउथ जर्मनी में है, साउथ जर्मनी में भी ब्लैक फॉरेस्ट एरिया में और वाटेनबर्ग स्टेट में। मैं आपको बता देती हूँ, फ्राइबर्ग से आसपास में है, स्टुटगार्ट के भी ज्यादा दूर नहीं है। तो ये अगर आप वहीं कहीं रहते हो तो आप देख सकते हो। इस पर जगह का जो नाम है वो है टीटीजे नॉयस्टार्ट, और जो मैं आपको पर्टिकुलर लेक बता रही हूँ उसका नाम है टीटीजे। Jumping from cliff so high, trust in owings to fly. तो जो लास्ट एपिसोड था जिस जगह पर हम थे जिसका नाम था स्लुस्से, उससे अराउंड 16 किलोमीटर था। हम लोगों को कुछ 20 मिनट के लगभग लगे, पर ये एकदम अलग दुनिया थी देन उस दुनिया। तो अगर वो पार्ट नहीं देखा तो वो भी देखो, क्योंकि वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइस हम लोग टीटीजे नॉयस्टार्ट में पहुंच गए हैं। और टीटीजे नॉयस्टार्ट बहुत कलरफुल लग रहा है। अभी आप टीटीजे तरफ जा रहे हैं, पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करी है और पार्किंग मशीन जो है वो यहाँ पर है। सी दिस, दिस इज़ द पार्किंग मशीन। एक घंटे के 2 यूरो, 2 घंटे के 3 यूरो, 3 घंटे के 4 यूरो और 4 घंटे के 5 यूरो। 3 घंटा, हाँ 3। ये है पार्किंग मशीन। तो जर्मनी में जितना भी मैंने देखा हुआ है पार्किंग मशीन्स होती हैं, आपको जब 30 मिनट तक की पार्किंग जो है वो फ्री है इसमें, इस जगह पर, और 1 घंटे की 2 यूरो, 2 घंटे की 3 यूरो, 3 घंटे की 4 यूरो, इवन 24 आवर्स की भी है और 72 आवर्स की भी है और 31 डेज की भी है। और जितना मैंने देखा है 31 डेज 20 यूरो की पार्किंग सस्ती है यहाँ पर। सो एनीथिंग हैवन इन द ब्लैक फॉरेस्ट इज टीटीजे नॉयस्टार्ट। ये जगह इतनी प्यारी थी कि मैं आपको शायद वीडियो के थ्रू ही बता सकती हूँ। एक ऐसा जर्मन टाउन जो कि माउंटेन्स लेक से घिरा हुआ है और बहुत ही मॉडर्न है, येट बहुत पुराना है। लाइक मॉडर्न है, पुराना है और ब्यूटीफुल है, इसका कॉम्बिनेशन था। तो जैसा कि आपको जंगल दिख रहे होंगे आसपास, तो ये जो रोमन है उन लोगों ने सबसे पहले इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट दिया। वो ऐसे ही जर्मनी में घूम रहे थे और वो एकदम से ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर बहुत ज्यादा डीप फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट थे, और तब उनने लैटिन में उसका नाम बोला सिल्वा निग्रा, जिसका बेसिकली इंग्लिश में नाम होता है ब्लैक फॉरेस्ट, और जर्मनी में इसे बोलते हैं श्वार्ज़वाल्ड। Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down. अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे यार ये टाउन जो है वो दूसरे जर्मन टाउन से कितना डिफरेंट है, तो ये टाउन बहुत ही ज्यादा मॉडर्न फील दे रहा था। बिकॉज ऑफ ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर बहुत टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स थे। टाउन बहुत ही ज्यादा नया बना हुआ दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये न्यूली बना हुआ है, इस वजह से ये और सुंदर लग रहा था। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इस पर्टिकुलर टाउन को देख सकते हो, ब्लैक फॉरेस्ट घूम सकते हो और आसपास की जगह जो है उसके भी मजे ले सकते हो। देखो
Deepak is wandering in this wonderful place. और अब ये सिटी सेंटर एरिया आ गया है जहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट कैफेज, देखो कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कैफेज रेस्टोरेंट बने हुए हैं. वो वेजिटेबल मार्केट है छोटू सा, मतलब वैसे तो हम मैंने एक दिखाया था छोटू सा वेजिटेबल मार्केट है. एंड यहाँ ये देखो वो वाला भी कितना प्यारा है, ये यहाँ स्ट्रॉबेरीज और ये सब चीज़ें मिल रही हैं, वाइन स्ट्रॉबेरीज और सारे ड्राई फ्रूट्स. साथ इतना बुरा हो रहा है ना आज की, क्या बताएं क्या बुरा हो रहा है दीपक, तुम बता. तो फैल रहा है, हम छाता खोल रहे हैं, बारिश बंद हो जा रही, बारिश बंद हो जा रही, बंद करते हैं फिर होने लगती है. क्या क्या करें हम, ड्रोन भी नहीं उड़ा पा रहे हैं. ओह वाह, पहाड़ों में आ गए, इतनी ठंड लग रही है एकदम से. वहाँ 10 डिग्री था, अब यहाँ है मुझे लग रहा है शायद 5 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ, या शायद 3 डिग्री. पहाड़ी है. ये रेलवे स्टेशन है टेटेजे का. मैं मास्क इसलिए लगाएं क्योंकि मास्क से ठंडी बच रही है नाक में. बाहर मतलब अलाउड, बाहर लगाना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हमने लगा रखी है क्योंकि हमारी ठंडी बच रही है. पर ये टाउन बहुत ब्यूटीफुल है. टेटी जे के नाम की बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं टेटी मतलब होता है चाइल्ड, छोटा लाइक बेबीज उसके नाम पर है. कुछ लोग बोलते हैं हॉन्टेड मैन था टिटिनी उसके नाम पर है. कुछ लोग बोलते हैं एक रोमन सोल्जर था जिसे ये जगह बहुत अच्छी लगी, जिसने अपने नाम पे रख दिया, उसका नाम टीटूस था. तो देयर आर सो मैनी थ्योरीज एंड वी डोंट नो कौन सी सही है नाम की और कौन सी नहीं. रेड्स से रिलेटेड क्राइम किया था इसलिए सिटी पूरी डूब गई थी फ्लड में. ये जो पर्टिकुलर सिटी है ये पूरी डूब गई थी बिकॉज ऑफ दे हैव डन सम क्राइम, है ना, एज अ पनिशमेंट ब्रेड से रिलेटेड. और इसमें ये भी लिखा हुआ है एक जेंटलमैन था जिसका नाम था टिटिनी जो कि हॉन्टेड था, जो जितना समझ में आ रहा है हम लोगों को देख के. एंड उसी के नाम पे ये पर्टिकुलर जो सी है और ये पर्टिकुलर जेने ये पर्टिकुलर लेक है और ये पर्टिकुलर जो जगह है उसके नाम पे लगा बना हुआ है. गुड गुड हिस्ट्री. हाँ, हॉन्टेड प्लेस है ये दीपक. हॉन्टेड है ये, हॉन्टेड है. नहीं था टिटिनी, टिटिनी के नाम जेंटलमैन था टिटिनी, पता है तुम्हें कैसा नाम है टिटिनी. टिटी से भी तो कैसा नाम है, उसी के नाम पे तो पड़ा है. हाँ, टिटिनी. टिटिनी के बारे में जरूर पूछना जब दीपक हॉन्टेड है वो आ ना जाए अभी यहाँ पर भू करके. What's your name? Come here. ये अलग ही घूम रही है, इसको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही. दीपक ये झुंड के साथ ही नहीं है, लीडर है क्या ये, देख अलग ही घूम रही है. अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ का जो लोकल म्यूजियम है वहाँ पर जा सकते हो. और यहाँ की जो क्लॉक्स हैं वो भी बहुत फेमस है, वो आप यहाँ पर खरीद सकते हो और इस पर्टिकुलर लेक और इस पर्टिकुलर टाउन के मज़े ले सकते हो.
एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर आसपास आप हाइकिंग कर सकते हो, और 2001 में यहाँ पर स्काई जंप का फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लस यहाँ पर हाइकिंग के लिए बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे रूट्स हैं, फुल डे वॉक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर लोकल इसके मज़े ले सकते हो, चाहे आप फैमिली के साथ आ रहे हो, अपने बच्चों के साथ आ रहे हो, एज ए कपल या एज ए सोलो ट्रैवल कर रहे हो। हो गई, कितना क्यूट है ना सब कुछ। छोटा सा प्यारा सा टाउन है। देखो इस तरीके के भी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। दीपक देखने जा रहा है उस पे क्या क्या है। और ये देखो यहाँ पर, आई थिंक दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टाउन। टाउन के बीच में एक जगह, और अपोथेके, मेडिकल स्टोर। अच्छा लग रहा है बीच में यार, किसका है? घर नहीं है ये, शायद होटल लग रहा है मुझे। होटल? हाँ सही, होटल लग रहा है, होटल लग रहा है। ओ यार ये बहुत सुंदर टाउन लग रहा है यार मुझे तो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये जगह जो है वो ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑफ कोर्स बिकॉज सब कुछ घिरा हुआ है फॉरेस्ट से। तो एक राइट पेयर ऑफ शूज आप लाओ और आप यहाँ का जो नेचर पार्क है उस पे आराम से ट्रैकिंग करो, और आपको बहुत सारे एडवेंचर हैं वो देखने मिलेंगे। इस जगह पे हम लोगों को जितनी भी ट्रैकिंग से रिलेटेड शॉप्स हैं वो ही देखने मिली, और लोग भी अपने स्टिक्स के साथ ट्रैकिंग करते हुए देखे या ट्रैकिंग से कहीं से आते हुए देखे। तो ये एक बहुत ही अलग सी चीज़ लगी, एंड चाहे वो कोई भी एज के लोग हो, सब टाइप के लोग जो है वो हम लोगों को ट्रैकिंग करते हुए दिखे। गाइस इट्स डोनर टाइम। कल हम लोगों ने बहुत उल्टा सीधा खाया था, तो आज हम लोग थोड़ा सैलेड से रिप्लेस कर लेते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं डोनर खाने, यहाँ पर बहुत सारी पिज़्ज़ा और डोनर शॉप है, होपफुली यहीं कहीं मिल जाएगी। वैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे हैं यहाँ, तीन तो मैंने ही देखे थे गूगल पे, तो आप लोग इंडियन भी खा सकते हो, पर हम लोग डोनर खाएंगे। सो अब हम लोग अंदर बैठे हैं, हमने यहाँ कुछ कुछ ऑर्डर कर दिया है। दीपक कोला पी रहा है, कितने दिन बाद कोला पी रहा है। ये है डोनर शॉप। मैं खा रही हूँ पिज्ज़ा और दीपक खा रहा है शॉर्मा, जो कि अच्छा खासा फीलिंग होता है और मज़ेदार होता है। तो लेट्स वेट फॉर पिज्ज़ा। बहुत सारे खाने पीने के भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक इंडियन या डोनर या पिज्जा या बहुत सारे, क्योंकि यहाँ बहुत टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट थे। तो गाइस अब हम लोगों ने अपनी पेट पूजा कर लिया, लाइक लंच कर लिया, और अब हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं? बैक टू पवेलियन। अभी और कहीं नहीं रुकेंगे? और कहाँ रुकना है? और कहाँ रुकना है बता। 3 बज गए, अभी निकलेंगे, 7 बजे तक घर पहुँचेंगे। ये लड़की घर नहीं जाना चाहती बिल्कुल भी, ठंड में मर जाए, हालत ख़राब है, सब घूम लिया हमने, और लेकिन ये लड़की कह रही अभी और कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाना है तुझे अब और बता? और कहीं भी तो जाएंगे। कौन सी जगह? मुझे क्या पता, बताओ जाके। मुझे नहीं पता। चलो गाइस वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और दीपा और इन्जॉय करना लाइक अस।
बाय बाय। अब हम जाते के भी वीडियोस लेंगे तो स्टे कनेक्टेड। हाथ दुख रहा है, ऐसे हाथ करना होता है ना। तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी जगह पर, एक्सप्लोर करेंगे। ये जगह कैसी लगे कमेंट करना, ये जगह आपको दूसरी जर्मन सिटी या टाउन से कितनी अलग लगी वो मुझे जरूर कमेंट करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।